सो जस्ट स्टार्ट. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से टेंजेंट के अलोंग होगी और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल बी वी स्क्वायर बाय आर और दिस इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर. अभी इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, इसके बहुत सारे मेथड है प्रूफ करने के. तो जस्ट सी वन मेथड. यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, इसलिए जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अलग अलग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखोगे. दिस इज वी वन एंड दिस इज वी टू एंड दिस इज वी थ्री. मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है मगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी अलग अलग है. ठीक है. एंड इसमें जो स्पीड दैट इज कॉन्स्टेंट, यानी यू कैन से मॉड ऑफ वी वन, मॉड ऑफ वी टू, मॉड ऑफ वी थ्री, ये सब कॉन्स्टेंट होगा. ये सेंटर है, इसका रेडियस आर ले लिया. नाउ ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा. इसके डिराइव करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी देखता हूँ, बहुत सारे मेथड है, मगर डिराइव करने की न्यूमेरिकल जब आएगा तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है. बट अगर डेरिवेशन शुरू में देखना है तो बहुत सारे मेथड, उनमें से एक मेथड है, आई एम गोइंग टू डिराइव इट. इसमें डेरिवेशन हो रहा है, दो मिनट रुक जाओ. आर वन पोजिशन पे वेलोसिटी वी वन है, ये आर वन पोजिशन है एंड आर टू पोजिशन एंड आर थ्री पोजिशन. तो सारी पोजिशन पे इसकी वेलोसिटी वी वन वी टू वी थ्री है, सारी पोजिशन पे रेडियस आर के बराबर है. ये मेथड जो डेरिवेशन का मेथड है वो सबसे सिंपल मेथड है. तो रेडियस आर वन, आर रेडियस का भी मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, यू नो. और इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है. नाउ इसके साथ हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं. इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, सॉरी इसमें जो वेलोसिटी है उसको इसके रेडियस के अलोंग दिखाते हैं, मतलब एक और सर्कल बनाते हैं. ये एकदम अलग डिफरेंट टाइप का मेथड, मैंने बोला ना इसके अलग अलग मेथड है. तो एक अलग से सर्कल बनाते हैं जिसमें रेडियस की जगह हम वेलोसिटी दिखाते हैं. ऑब्वियसली वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो जब इसको रेडियस की जगह दिखाओगे तो सेम लेंथ के वेक्टर आएंगे. ठीक है. सारे हमने सारे वेलोसिटीज को उठा के, फिर से देखना, इसको बैक करके दिखा रहा हूँ. हमने वी वन वेलोसिटी को उठाया, यहाँ से वी वन वेलोसिटी को उठाया, यहाँ से उठाया, उठाओ कॉपी करके और यहाँ पे रख दिया छोटे वाले सर्कल में. फिर वी टू को उठाया, कट एंड पेस्ट ऐसे रख दिया. फिर वी थ्री को उठाया, उसको ऐसे रख दिया. ठीक है. इसमें एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा. एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा. तो एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए तुम एक्सेलरेशन को टेंजेंट के अलोंग शो कर सकते हो. तो ए वन एक्सेलरेशन, ए टू एक्सेलरेशन, ए थ्री एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा बट डायरेक्शन. एक्सेलरेशन हमेशा, इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. ये थोड़ा सिंपल मेथड है मगर थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है. बट अभी मैं दो तीन मेथड और शो करूंगा, तो जैसे ही समझ में आ जाए, बहुत सारे तो अलग उससे प्रोसीजर्स पता लगेंगे क्या क्या प्रोसीजर होते हैं सर्कुलर मोशन को टैकल करने के. ठीक है. तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. तो हमने यहां भी एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिखा दिया ऐसे. ठीक है. इस वाले वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, फिर इस वाले वेलोसिटी के. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. आई होप यू गॉट दिस. नाउ अब दोनों क्योंकि साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, और वेलोसिटी और रेडियस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी तो हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, तो ये दोनों चीजें तो है ही. सो नाउ ये एंगल्स अब यू कैन कंपेयर दीज थिंग. एक्सेलरेशन यू कैन से एक्सेलरेशन अपोजिट टू आर होगा, एक्सेलरेशन ऐसे होगा. ठीक है. तो हमने ये दो तरह के सर्कल बना लिया. नाउ अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन A1, A2 या A3 का किसी का मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, और ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर है. ठीक है. दीज मैग्नीट्यूड आर इक्वल सेंट्रिपिटल, और डायरेक्शन सेंटर की तरफ है. नाउ अब अगर इस सर्कल को देखें, इस वाले सर्कल को, इसको कंपेयर करें, तो 1/4π 2πr, यानी 1/4 पार्ट ले लें. किसका ले रहे हैं पहले? किसी का भी ले लेते हैं. 1/4 इसका ले आए,
ये जो डिस्टेंस होगी वो 1 upon 4 ऑफ 2 पाई आर होगी, क्योंकि रेडियस यहाँ पे आर है तो इसका पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा. तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज 2 पाई आर का 1 upon 4th, और इसमें जो वेलोसिटी है वो वी के बराबर है. तो याद रखो जो ऊपर टर्म आता है वो रेडियस का टर्म आता है और जो नीचे टर्म आता है वो वेलोसिटी का टर्म आता है. ठीक है, तो टाइम पीरियड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा. डिस्टेंस ये होगा 1 upon 4 टू पाई आर और वेलोसिटी वी के बराबर होगी. अगर सेम चीज को इस सर्कल में देखा जाए, यहां पर रेडियस की जगह तो क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन. तो अगर इसी इस पोर्शन में अगर टाइम पीरियड निकालेंगे दूसरे वाले सर्कल में तो 1 upon 4 टू पाई वी हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेडियस की जगह वेलोसिटी है और वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन है. तो डिवाइड किससे करोगे, ए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन से. दोनों टाइम सेम होने चाहिए, बस अगर दोनों टाइम सेम है तो उसको इक्वेट कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. सो 1 upon 4 टू पाई आर इज इक्वल टू 1 upon 4 टू पाई बी अपॉन ए, है ना. ये एक तरीका, टू पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली, ए सी की वैल्यू क्या बचेगी, बी स्क्वायर बाई, है ना, ए सी. यहाँ पे देखो ए सी क्रॉस, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ए सी को ऊपर ले जाओ, जैसा भी करो, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बाई आर. आई होप यू गॉट इट, सिंपल कैलकुलेशन है. ठीक है, तो एक तरीका ये है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकालने का. इससे थोड़ी सी फीलिंग भी आ गई कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ होगा. और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं दो तरीके से और दिखाने जा